तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया इंदौर के एक अस्पताल में। कई तरह की बीमारियों से वो जूझ रहे थे और बताया जाता है कि उनको COVID-19 का इन्फेक्शन भी था। इस तरह हमारे बीच का एक बड़ा शायर उठ गया। लेकिन दोस्तों यकीनन उनकी शायरी, उनके नगमे हमेशा हमारे कानों में घुसते रहेंगे। वो हमें बताते रहेंगे कि शब्दों की ताकत कितनी बड़ी होती है। हमने गालिब को नहीं देखा, हमने गालिब को अपनी शायरी कहते हुए भी नहीं सुना, लेकिन हमने राहत इंदौरी साहब को भले आमने सामने नहीं देखा लेकिन उनको सुनाते हुए सुना, उनको मुशायरों में सुना, खासकर उनके वीडियोस, उनको पर्दे पर सुना, सोशल मीडिया में उनको देखा, और कुल मिलाकर जो उनकी एक शख्सियत उभरती है एक बड़े ही पॉपुलर पोएट की, एक ऐसे लोकप्रिय शायर की जो अपनी लोकप्रियता में कभी अवामी मुद्दों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता। इसलिए अगर कोई एक शब्द देना हो राहत इंदौरी को, खासकर मुझे, तो मैं कहूंगा कि वो भारत के बीते 30-40 सालों के दरमियान मैंने वैसा लोकप्रिय अवामी पोएट, लोकप्रिय अवामी शायर कम से कम मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं सुना जिस तरह की उनकी शायरी है। और दोस्तों क्या वजह है कि राहत इंदौरी साहब कोई वैचारिकता के एक खांचे में, एक सांचे में बिल्कुल फिट नहीं बैठते, इसके बावजूद वो विराट मानवीयता उनमें दिखाई देती है। एक अद्भुत, एक 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 बेमिसाल कमिटमेंट दिखाई देता है मनुष्यता के प्रति। वो क्या चीज है, मैं इसकी उनकी शायरी में, उनके नगमों में, उनकी गजलों में इसकी जरूर हम शिनाख्त करेंगे, लेकिन पहले ये देखें कि आखिर उनके जीवन में ऐसा क्या है। दोस्तों इंदौर के एक बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ, एक मुस्लिम परिवार में, और वो भी पिछड़े मुस्लिम परिवार में जिसको पसमादा मुस्लिम परिवार कहते हैं। और उनको बचपन में तमाम तरह के काम करने पड़े और पेंटिंग भी करनी पड़ी। पेंटिंग कई बार उन्होंने अपनी दिनचर्या या अपने रोजमर्रे की जरूरतों के लिए भी किया, अपने परिवार के लिए भी किया। उनके पिता एक मिल मजदूर थे और वो कभी कभी ऑटो भी चलाते थे। तो कुल मिलाकर परिवार का माहौल जो था वो गुर्बत, गरीबी के साथ साथ संघर्ष का भी था। एक जिजीविषा थी कि अपने को आगे ले जाना है। और जिस इलाके में उनका जन्म हुआ इंदौर के, वो बहुत ही मिली जुली संस्कृति, मिली जुली सभ्यता, मिले जुले संस्कार, मिले जुले आबादियों का एक हलका था। आपको मालूम है इंदौर घराना संगीत का बहुत मशहूर घराना हुआ करता था। आपको आश्चर्य होगा कि आज वहां भले ही एक खास ढंग की वैचारिकता बड़ी मजबूत है, लेकिन एक जमाना था जब होमी दाजी जैसे लोग, तमाम इस तरह के लोग वहां पर, जिनकी संख्या, जिनकी बिरादरियों की संख्या, जिनके समुदायों की संख्या बहुत कम है, वो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते थे। ओमिदाजी स्वयं पारसी समाज के थे, लेकिन इंदौर जैसे शहर के वो लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। तो इंदौर, उस समय का इंदौर आज के इंदौर से वाकई एक अलग किस्म का शहर था, जिस शहर में अपने बचपन को राहत इंदौरी साहब ने बिताया। और बचपन में उनको पेंटिंग के अलावा जो शौक था वो पोएट्री का भी था, शायरी का भी था। बताते हैं कि एक बार उस शहर में जानिसार अख्तर साहब एक मुशायरे में आए, और जानिसार अख्तर साहब ने जो वहां पर आए तो उनको सुनने के लिए ये 9 साल के राहत इंदौरी साहब भी पहुंच गए। अब ये पता नहीं कितना सच है, लेकिन इंदौर में एक कहावत बहुत मशहूर है,
उन्होंने कहा कि जनाब मैं राहत नाम है और मैं आपके सामने एक अपना शेर सुनाना चाहता हूं, और अगर मुझे मंच पर भी अवसर मिले तो बहुत ही मेरी खुशकिस्मती होगी। उन्होंने कहा कि जानिसार अख्तर साहब ने कहा कि बच्चों 1000 शेर अगर जिसको याद है वो शेर कहने लायक होता है। उन्होंने कहा सर 1000 तो मुझे अभी याद है, आप तो बात की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुमको एक 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 शेर का पहला लाइन आपको देता हूं, आप इसकी दूसरी लाइन अगर जोड़ दो तो हमें तुम्हें शेर पढ़ने की इजाजत जरूर दिलवाएंगे। तो जानिसार अख्तर साहब ने जो शेर की पहली लाइन उनको दी वो था, हमसे भागा न करो दूर गजलों की तरह, हमसे भागा न करो दूर गजलों की तरह। अब 9 साल के राहत साहब को जोड़ना था ताकि वो अपनी अपना शेर वहां पर सुना सकें लोगों को। उन्होंने क्या जोड़ा, उन्होंने जोड़ा हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। यानी कुल मिलाकर जो शेर बना, हमसे भागा न करो दूर गजलों की तरह, और राहत साहब का जो की जो लाइन थी वो थी, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। कहते हैं कि जानिसार अख्तर साहब इतने खुश हुए कि उन्होंने उनको गले लगा लिया और कहा कि बेशक बरखुरदार तुम शेर पढ़ो, और उन्होंने शेर पढ़ा। तो इस तरह से राहत इंदौरी साहब अपने बचपन में ही एक मिली जुली संस्कृति, एक एक बहुत ही डाइवर्स या विविधतापूर्ण समाज में एक तरह से वो आगे बढ़े, और उन्होंने गरीबी और गुर्बत के साथ मनुष्यता के लिए सोचा। दिलचस्प बात यह है कि कई बार लोग गरीबी में पैदा होते हैं लेकिन सिर्फ अपनी अमीरी के बारे में सपने देखते हैं कि वो कैसे अमीर होंगे, चाहे ठेकेदार बनना पड़े, ठेकेदार कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर यह कि किसी भी तरह पैसा कमाकर बड़ा आदमी बन जाना है। लेकिन राहत साहब ने अपनी गरीबी, अपनी गुर्बत, अपनी संघर्षशीलता को कभी अपने तक नहीं रखा, उन्होंने पूरी मनुष्यता के साथ उसको जोड़ा, पूरे समाज के साथ उसको जोड़ा, और ये बातें मैं समझता हूं उनको सामाजिकता का बड़ा शायर बनाती है। और मैं समझता हूं कि राहत इंदौरी साहब की जो सबसे बड़ी, जो अगर उनकी उनकी पोएट्री में जो सबसे बड़ी बात है वो सचमुच एक ऐसे अवामी शायर की बात है जिसके पास पॉलिटिकल अपनी सामाजिकता को लेकर, सामाजिक राजनीतिकता को लेकर, और कुल मिलाकर पॉलिटिकल सिनेरियो, राजनीतिक परिदृश्य पर सटायर करने की, सटीक टिप्पणी करने की अद्भुत पोएटिक क्षमता है जो उनको राहत इंदौरी बनाती है। तो ये कुल मिलाकर राहत इंदौरी साहब की अजीब एक बेमिसाल शख्सियत है। और दोस्तों बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो काफी कटु थे मौजूदा रिजीम को लेकर, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो हर उस रिजीम को लेकर क्रिटिकल थे, कटु नहीं क्रिटिकल थे, जो मनुष्यता के पक्ष में खड़ी नहीं होती है और जो मुश्किलात पैदा करती है मनुष्यता के लिए, चैलेंजेस पैदा करती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, और ये इंप्रेशन मैं समझता हूं कि बहुत व्यापक है, कि जो उनकी वो एक बहुत मशहूर शेर है कि सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये जो शेर है वो आज का नहीं है, ये पिछले 5-6 सालों का नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसी रिजीम के दरमियान उन्होंने लिखा, बिल्कुल नहीं, ये एक 28-30 साल पहले लिखी हुई उनकी एक गजल है जिसका ये शेर है। और उस वक्त भी भारत में बहुत सारी मुश्किलात थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे जिस दरमियान कवि ने, शायर ने ये बात कही थी। मैं समझता हूं कि कई बार पोएट्री, कई बार काव्यात्मकता, कई बार शायरी किसी वक्त में की जाती है और किसी खास वक्त में आकर वो बेहद रिलेवेंट हो जाती है, बेहद प्रासंगिक बन जाती है। ये जो कविता का अंश है, ये जो शेर है गजल का, मैं समझता हूं उसका ये बहुत बड़ा प्रमाण है। दूसरी बात जो दोस्तों मैं करना चाहूंगा कि राहत इंदौरी जो एक बात में और अपने तमाम कवियों शायरों से बिल्कुल अलग हैं, वो है उनमें गजब का साहस है। इतना जबरदस्त साहस जो अपने सोच से कंप्रोमाइज नहीं करता, वो बिल्कुल साफ बोलता है, सटीक बोलता है, पॉपुलर शब्दों में बोलता है, वो जलेबी नहीं बुनता शब्दों की। बहुत सारे हिंदी के कवियों की तरह या इवन उर्दू के भी शायरों की तरह वो जलेबी नहीं बुनते, वो बिल्कुल साफ शब्दों में वो बात कहते हैं जो लोगों के दिलों में उतर जाए,
और ये उनको राहत इंदौरी बनाती है बात, यही उनकी जो क्वालिफिकेशन है, यही उनकी गुणवत्ता उनको राहत इंदौरी बनाती है। और दोस्तों एक बात मैं बताऊं आपको कि अब जैसे जो समाज है जिस तरह का, जो सवालात उठते हैं समाजों पर, एक इंटरव्यू में हाल के दिनों में उन्होंने कही ये बात कही कि उनको सबसे पूछा गया कि आपको क्या अभी दर्द क्या है, क्या आपको खराब लगता है आज के समाज में, तो उन्होंने ये कहा, मैं उनके शब्दों को कह रहा हूं, कि हमारे समाज से इंसानी रिश्तों की दूरियां बढ़ रही हैं, बीच में ये मजहब आ जाता है, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसी तरह के दबावों के बीच उन्होंने एक बात कही, एक एक दो लाइनें, मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, खून से मेरी पेशानियों पर हिंदुस्तान लिख देना। अब ये बात क्या कहने की जरूरत है, लेकिन जिस समाज, जिस समुदाय में राहत इंदौरी साहब की का जन्म हुआ, संयोग बस वो किसी भी धर्म किसी भी समुदाय में पैदा हो सकते थे, उस समाज में जो एक पीड़ा है, अलगाव है, एक कष्ट है, कहीं ना कहीं उसकी अभिव्यक्ति दिखाई देती है हमारे समाज के अंदर एक संवेदनशील व्यक्ति की, और ये एक ईमानदार इजहार है। और दोस्तों हिम्मत और साहस देखनी हो राहत इंदौरी में तो वो क्या लिखते हैं, आप उनकी दो लाइनें देखें, मैं मुझे पूरी याद नहीं है इसलिए मैंने आपके सामने लिख कर लाया है। शाखों से कोई टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से कोई टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधियों से कह दो वो औकात में रहें। अद्भुत लाइन है। दूसरी एक लाइन बहुत ही बेमिसाल है, रोज पत्थर की हिमायत में गजल लिखते हैं, रोज पत्थर की हिमायत में गजल लिखते हैं, रोज शीशों से कोई काम निकल आता है। ये है राहत इंदौरी का अपना अपना कहने का अंदाज। और दोस्तों मोहब्बत, मोहब्बत का कितना बड़ा मसीहा है ये पोएट, आप देखें, जनाजे पर लिख देना यारों, जनाजे पर लिख देना यारों, मोहब्बत करने वाला जा रहा है, जनाजे पर लिख देना यारों, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। और कहने की जो अदा है वो क्या, एक एक लाइन जैसे लगता है महाकाव्य है। वो किन परिस्थितियों में, किन संदर्भों पर लिख रहे हैं आप देखिए, नए किरदार आते जा रहे हैं, नए किरदार आते जा रहे हैं। अगर बीते कुछ सालों का आप सिलसिला देखिए, आर्थिक बेहाली से लेकर और नीतिगत जो फैसले, जो भी नीतिगत फैसले हुए हैं जिसकी वजह से गुर्बत बढ़ी है, बेहाली बढ़ी है, असमानता बढ़ी है, कैसे उस पर कवि कहता है, शायर कहता है, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। और दोस्तों ऐसा लगता है जैसे मौत को लेकर भी एक खास ढंग की, एक खास ढंग की जिंदा दिली है, इसको जिंदा दिल ही कहेंगे, कि वो आदमी मौत से नहीं डरता और ये जानता है कि मौत का दिन तो तय है, लेकिन जिंदगी थड़कनी चाहिए, जिंदगी जारी रहनी चाहिए। और जिंदगी का मतलब जिजीविषा, जिजीविषा का मतलब एक बेहतर बदलाव की आकांक्षा, क्या कहते हैं वो, ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। ये राहत इंदौरी साहब हैं। और दोस्तों बिल्कुल अंत में मैं यही कहूंगा कि क्या वजह है कि हम अपने इस तरह के बड़े शायरों का उतना ख्याल नहीं रखते। अभी बशीर बद्र जो हमारे मुल्क की, हमारे मुल्क नहीं बल्कि हमारे पूरे उपमहाद्वीप की एक बड़ी शख्सियत हैं, एक बड़े शायर हैं, बेहद बुजुर्ग हालत में वो अभी तमाम तरह की परेशानियों बीमारियों से ग्रस्त हैं और अपने जीवन की बिल्कुल ऐसा लगता है कि आखिरी पड़ाव पर हैं, लेकिन कौन ध्यान देता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि राहत इंदौरी साहब 70 साल के थे, काश वो 100 साल हमारे बीच रहते, उससे भी अधिक रहते, और समाज के लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्यता के लिए वो निरंतर काम करते रहते, अपने शब्दों से, अपने शिल्पों से, अपनी शायरी से, अपने नगमों से। हम राहत इंदौरी साहब को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, जिंदाबाद। और राहत इंदौरी हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत श्रद्धांजलि।